नमस्कार, शुभ सकाळ। आज फेब्रुवारी मास 23 तारीख बुधवार। आज सकाळर देश विदेशर 10 गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं मु अमिताभ आपण मन पाखरे आसी पहुंची जाइछि। प्रमुख खबर खूब शीघ्र मिलिबाकु जाउछि। चासी भाई भोनी मानकु कालिया योजनार सप्तम किस्तर टंका केबे मिलिबो 2000 टंका। तेबे नुवा करी आम चैनल आसिले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट बॉक्स रे आपणकर सुंदर मतामत देबाकु जमारे भूलिबेनी। आसंतु नजर पकेबा 10 ताजा खबर कोन रहिछि। नंबर एक रही आज ठारु उपकूल ओडिशा रे झड़ वर्षा संभावना। मार्च प्रथम सप्ताह रे जारी रहिबो वर्षा। राज्य में पाणीपाग परिवर्तन आसी। आज अपराह्न उपकूल ओडिशा केतेक जिला और यार संलग्न आभ्यंतरण जिला गुड़िक झड़ वर्षा हेबो। एने शिक्षा और अनुसंधान परिचालित परिवेश और जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। उभय बंगोपसागर और आरब सागर आड़ ओडिशा आड़क मुहांता आद्र वृद्धि जो दिन तापमात्रा वृद्धि पाव जहाँफल एवं पाणीपाग सृष्टि सीएससी पक्षर कहुई। यह प्रभाव में ढेंकानाल केउझर मयूरभंज भाई आभ्यंतरण जिला गुड़िक प्रभावित होवार संभावना रही। पाणीपाग सह पश्चिमा झड़र मिश्रण जुगु फेब्रुआरी 26 तारीखर पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। नंबर 2 रे रही पुणी बार्ड फ्लू आतंक। 25,000 रु अधिक कुकुड़ांकु हत्या कले सरकार। पुणी बार्ड फ्लू आतंक देखिबा को मिलिछि। महाराष्ट्र थाने एवं पालाघर जिलार किसी अंचल बार्ड फ्लू मामला चिन्हट होइछि। एने राज्य सरकार उभय जिलार संक्रमण हॉटस्पॉट 1 किलोमीटर व्यासार्ध 25,000 रु अधिक कुकुड़ा को हत्या करने को निष्पत्ति नहीं। महाराष्ट्र पशुपालक मंत्री सुनील केदार मंगलवार कहते जे संक्रमित होता कुकुड़ा फार्म रे काम करुवा श्रमिक सुरक्षा दृष्टि अलग कर रखा जाए। महाराष्ट्र थाने और पालाघर जिले में किसी कुकुड़ा बार्ड फ्लू मामला देखा मिलता। तीन रही पीएम किसान योजना को नहीं आसला बड़ खबर। प्रधानमंत्री किसान संबंधी योजनार कृषकों खाता को पैसा पठाई केन्द्र सरकार। यह योजना अंतर्गत सरकार कृषकों आकाउंट को वार्षिक 6,000 टंका पठाई। वर्तमान सुधा 10 किस्ती में कृषक मान खाता अर्थ आसी बेले खूब शीघ्र 11 किस्तीर टंका आसवाक जाऊँगी। तेरे यह पूर्व केन्द्र सरकार पक्ष पीएम किसान योजन किसी परिवर्तन करिछंती। सरकार पक्ष योजन 2 बड़ परिवर्तन कर पूर्व ईकेवाईसी बाध्यतामूलक कर बेले वर्तमान स्टाटस चेक प्रेसर को मध्य परिवर्तन कर पूर्व जे कहीं भी अन्य मानकर स्टाटस देखि पारुथिले वर्तमान एहाकु परिवर्तन करा जायछि। पूर्वरु केवल मोबाइल नंबर दे स्टेटस देखि होतला किंतु वर्तमान आधार नंबर किंबा बैंक अकाउंट नंबर जारी रही एहि स्टेटस चेक करि हेबो। केउ केउ किस्तीर टंका आसीछि केउ किस्तीर टंका आसी नै आपण आराम से चेक करि परिबे। नंबर 4 रहिछि एलपीजी ग्राहकों को बड़ झटका। एप्रिल रु 2 गुणा हेबो रुसेई गैस रो दाम। खाउटिंग को पुणी झटका लगवाक जाऊँगी। पेट्रोल और डीजेल परे एबे रोसेई गैस रो दाम बढ़िबाकु जाऊँगी। एप्रिल मासरु खाद्य प्रस्तुत करिबा महंगा होइजिबो। सारा विश्व रे गैस रो भारी मात्रा रे अभाव देखा देइछि एवं एप्रिल मासरु एहार प्रभाव भारत रे देखिबाकु मिलिबो। तेणु रोसेई गैस रो दाम 2 गुणा हेबा संभावना रहिछि। वैदेशिक स्तर रे गैस रो समस्या हेबा जोगु सीएनजी पीएनजी एवं बिजुलीर दाम बढ़ी जीव। यह सहित गाड़ी चलाइबा सहित फैक्ट्री रे उत्पादन खर्च बढ़ी पारे। सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल रे मध्य वृद्धि होई पारे। तबे सबु प्रभाव खाउटिंग को उपरे पड़ी पारे। नंबर 5 रही यूक्रेन गला स्वतंत्र विमान। चरम सीमा रे पहुंची रूस यूक्रेन विवाद। मध्यरात्र रे पुटिन को संबोधन परे आहुरी बिगड़ी स्थिति। अमेरिका नेतृत्वाधीन नाटो को जोरदार चैलेंज करिछि रूस। विद्रोही कब्जारे थिबा पूर्व यूक्रेन 2 प्रांत को पुटिन स्वाधीन राष्ट्र घोषणा करने सहित सैन्य पठाइवा निर्देश देते। यह भितर भारत सरकार यूक्रेन में रही भारतीयों को आने स्वतंत्र विमान पठाई। वर्तमान स्थिति देखि भारत सरकार निज देशर नागरिकों स्थिति स्वाभाविक नहबा जाए स्वदेश को फेरी आसवाक कही आई एयर इंडिया स्वतंत्र विमान जा। 6 रही होली पूर्व ग्राहकों मिल आश्वस्ति। शस्ता हम खाइबा तेल लगातार भावे दरदाम वृद्धि पाइबारे लागिछि। खास करी कोविड महामारी कारणरो विभिन्न नित्य व्यवहार्य जिनिष दाम बढ़िछि। यारी भितरे मार्च मास ग्राहकों को आश्वस्ति मिलिबो। उद्योग संगठन सर्विलांस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पक्षरु उपभोक्ता को आश्वस्ति देबा पई निज सदस्य मानकु खाइबा तेलर दाम कमेबा को अपील करिछंती। खाइबा तेलर खुचुरा मूल्यर 3 रु 5 टंका अर्थात 3,000 रु 5,000 टंका प्रति टन हिसाबरे दर कमाइबा को अपील करिछि संगठन। नंबर 7 रहिछि कमी
ମିଳିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି 46 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 32 ଦିନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟିକୁ 15 ଦିନ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ମେ 1 ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ମାସ ଧରି ରହିବ। ଜୁନ 16ରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରହିଛି 50 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବେଗ ଗଲେ 7,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏଣିକି ଗାଡ଼ିର ବେଗରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରୁ ଅଧିକ ଚଲାଉଥିଲେ 7,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏମିତି କିଛି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି 3 ଥର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର 13 ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ CCTV କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ୟାମେରା ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଲାଗିଛି। କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠାଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଚାଲଣ ଯିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନବନର ରହିଛି ସୁନା ଦାମର ତାଜା ଅପଡେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 45,900 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 50,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 45,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 210 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 49,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ସୁନାର ଦର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ନବଦଶରେ ରହିଛି 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ସେବା। ଦେଶର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲହର। କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସୁଥିବାରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସୁଥିବାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 7ମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଭୂମିହୀନ ନାମମାତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।